बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हरूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी मिस्टर एआर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद भट्ट के इलाके में खाद माफिया के हाथों किसानों का इस्तेहसाल जारी। किसानों के तहफ्फुज के दावेदार किसान इत्तेहाद और तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गए। सोना, यूरिया, डीएपी और दीगर खादे नायाब, गंदम की फसल को शदीद खतरात लाहक। खाद डीलर्स के गोदामों में खाद के अंबारों के इंकशाफात, किसान एक बोरी को तरस गया। काश्तकारों का हुकूमत से कार्रवाई करने का मुतालिबा। हरूनाबाद और गिरजानवा में किसानों का इस्तेहसाल जारी। खाद माफिया खाद पर पंजे जमाए बैठ गया, जबकि तहसील इंतजामिया खाद की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सोना यूरिया की सरकारी कीमत 3,450 है, जबकि मार्केट में नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स मनमानी रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। गवारा खाद भी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। नाइट्रोजन भी आसमान को छूने लगी। महकमा ज़राअत अपना तमाम वक्त मीटिंग में गुजारने ज़राई डिपार्टमेंट लालच में, जबकि किसानों की कमर तोड़ने पर लग गया। काश्तकारों का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि खाद की किल्लत अगर यूं ही जारी रही तो गंदम की फसल की पैदावार मुतासिर होने और गजाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इंतजामिया की बेहसी और खाद माफिया को खुली छुट्टी देना निगरान हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इस संगीन गफलत पर फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहे 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।